क्यों लग रहे हैं ना ये बहुत स्वाद, ये बने हैं बिल्कुल खस्ता। मैंने बहुत ही इजी रेसिपी बेसन पारो की आपके साथ शेयर की है। हे फूडीज, वेलकम टू आशिमास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन पारे। ये बहुत ही टेस्टी स्नैक्स हैं। इसको आप किसी त्योहार पे या फिर जब भी बरसात का मौसम हो बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलो इनको बनाना शुरू करते हैं। पर उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। तो बेसन पारे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में लेंगे हम बेसन। मैंने यहाँ 2 कप बेसन लिया है। बेसन के बाद मैंने ली है 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद 1/2 टीस्पून हींग और 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी और फिर 1/2 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को पहले थोड़ा सा मसल लेंगे। मसलने से अजवाइन का फ्लेवर और भी अच्छा आता है। अब डाल रही हूँ मैं मोटी कुटी हुई सूखी लाल मिर्च। इसकी जगह आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद 2 टीस्पून सूखी कस्तूरी मेथी और आखिरी में नमक। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून। इन मसालों के बाद हम डालेंगे घी। घी मैंने लिया है 1/4 कप। घी की जगह आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और बेसन और घी को हम हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। इनको हमें 1 मिनट तक मिलाना है जब तक कि घी और बेसन आपस में अच्छे से मिल ना जाए। इनको हम चेक भी कर सकते हैं। उसके लिए आप थोड़े से मिक्सचर को हाथ में लें और जोड़ने का ट्राई करें। अगर घी और बेसन हमारा बाइंड होने लग जाएगा तो मतलब घी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। अब हम धीरे धीरे ऐड करेंगे पानी और बेसन का एक डो बना लेंगे। इस डो को हमें टाइट ही गूंदना है, जैसा पूरी का आटा बनता है उससे भी थोड़ा सा ज्यादा टाइट। डो हमारा बढ़िया गूंद गया तो पारे बनेंगे बिल्कुल खस्ता। जब डो हमारा बन जाएगा तो हाथों पर हल्का सा घी ले लेंगे और 1 मिनट तक उसको मसलेंगे। ऐसे मसलने से ये और अच्छा गूंद जाएगा और हाथों पर चिपकेगा भी नहीं। मैं आपको अपना डो पास से दिखाती हूँ। बस ये डो हमारा बनके तैयार है ना। ये बनाना सिंपल। अब हम बनाएंगे अपने पारे। उसके लिए थोड़ा सा घी हम लगाएंगे अपने चकले पर और बेलन पर, जिससे कि ये पारे आसानी से बिल जाएंगे और चिपकेंगे नहीं। तो पहले हम लेंगे थोड़ा सा डो अपने हाथों में और हथेली में रोल करके उसकी एक बॉल बना लेंगे और फिर साइड्स में गोल गोल दबा के हल्का चपटा कर लेंगे और फिर बेलन से हम इसको बेल लेंगे। इसको हमें बहुत पतला नहीं बेलना है, बस जैसा हम पराठा बनाते हैं उतनी मोटाई हमें इसकी रखनी है। और जब ये हमारा बिल जाएगा उसके बाद हम इसके कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। कॉर्नर्स को हमें इस तरीके से कट करना है कि इसकी स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप आ जाए। जो हमने कट किया है उसको हम निकाल लेंगे और दोबारा से अपने बाउल में डाल लेंगे। इसको हम अगली बारी में बेल लेंगे। अब हम काटेंगे अपने पारे। उसके लिए मैं लगभग 1 इंच के गैप पे इसमें कट लगा रही हूँ लंबाई में और फिर उसी तरीके से लगभग 1 इंच के गैप में दोबारा से दूसरी तरफ से इसमें कट लगा रहे हैं लंबाई में। ये पारे हमारे कट गए हैं। मैं आपको एक पारा पास से दिखाती हूँ कि हमने इसकी कितनी मोटाई रखनी है और कितना बड़ा ये कट करना है। परफेक्ट, ये पारा हमारे बहुत अच्छे से कट हो गए हैं। इनको अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये पारे भी हमारे कट गए हैं और ये भी काफी अच्छे से बन गए हैं। तो ये देखिए, पारा पास से हमारा ऐसा दिखता है, लग रहा है ना स्वाद। अब हम करेंगे इनको फ्राई करने की तैयारी। उसके लिए मैं पैन के अंदर ले रही हूँ घी इनको फ्राई करने के लिए। आप चाहें तो इनको ऑयल के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं। जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर हम डाल लेंगे अपने पारे। मैं यहाँ पे एक एक करके पारा घी में डाल रही हूँ। इनको आप ध्यान से डालना, घी आपके ऊपर छलक भी सकता है। तो सारे पारे हमने पैन के अंदर डाल दिए हैं और इनको हम कुछ देर तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। और जब ये एक तरफ से थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम चम्मच से इसको दूसरी तरफ से पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं।
एक चीज का ध्यान रखें कि इनको आप मीडियम फ्लेम पर ही सेके, तभी ये अच्छे खस्ता और कुरकुरे फ्राई होंगे। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको अपनी कढ़ाई से निकाल लेंगे। आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन रंग इनके ऊपर आ चुका है, ये काफी खस्ता फ्राई हो गए हैं। अब हम छलनी से इनको अपने तेल में से निकाल लेंगे। ये देखिए, ये बने हैं बहुत ही खस्ता और कुरकुरे। इनको मैंने किचन टॉवल पे निकाल लिया है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा किचन टॉवल सोख ले। बाकी के पारों को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई करने में लगते हैं लगभग 6-7 मिनट, क्योंकि हम इनको करते हैं फ्राई मीडियम फ्लेम पर। हाई फ्लेम और लो फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना है। तो जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे इनको भी हम निकाल लेंगे अपनी कढ़ाई से। ये देखिए क्या सुनहरा बढ़िया इनका रंग आया है, और अजवाइन, हींग और मेथी की क्या बढ़िया खुशबू आ रही है इनमें से। इनको भी हम अपने किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपने मसाले। इनके अंदर हम मिलाएंगे थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, जिससे ये बनेंगे खूब मसालेदार और चटपटे। इनको हम अच्छे से मिला लेंगे और एक बाउल में इनको डाल लेंगे। बेसन पारे हमारे बनके तैयार है। इनको आप एयर टाइट कंटेनर में पैक करके आराम से 1 महीने तक खाएं। बेसन पारे हमारे बनके तैयार हैं। मैं इनको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। ये बने हैं खूब खस्ता, क्रिस्पी और कुरकुरे। ऊपर से डाला हुआ चाट मसाला, वाह, इसके टेस्ट को और बढ़ा दिया। आप इन बेसन पारों को जरूर बनाएं, और जब भी आप बनाएं अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी सुविधा के लिए मैंने सभी इंग्रेडिएंट्स को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस चीज की, अभी जल्दी से कर लें। और मेरे और भी अपडेट्स पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है आशिमास किचन। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें, उन्हें ढेर सारा प्यार करें। हैप्पी कुकिंग विद आशिमास किचन।